देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं उत्तराखंड ने भी तीसरी बार 5 कमल केंद्र की भाजपा सरकार को दिए हैं। इस बार खास बात यह है कि कई अनुभवी और दिग्गज नेता चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में केंद्रीय मंडल में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका किस सांसद को मिलता है? इस सवाल को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री खेलेंद्र चौधरी से हमारे संवाददाता वैभव पटवाल की खास बातचीत हुई। उत्तराखंड में भाजपा को 5 सीटों से नवाजा गया है। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ यहां पर लेंगे। वहीं बड़ा सवाल ये उठता कि 4 बार 5 कमल देने के बाद अब देखना ये होगा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है में उनको जगह मिल पाती है या नहीं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र बिस यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका इस बारे में। खिलेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको 5 सीटों से नवाजा गया उत्तराखंड की जनता के द्वारा। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर हम 5 की 5 लोकसभा सीट जीते हैं उसका श्रेय पूरे हमारे धामी जी को जाता है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को जाता है और जो संगठन का हमारा रणनीति थी उसका ये हिस्सा है। और ये तीसरी बार लगातार हम 5 लोकसभा सीट जीते हैं। सभी को पूरे प्रदेश के अंदर उत्साह का वातावरण है, उत्साह का माहौल है। और जहां तक केंद्र की बात है, केंद्र में ये केंद्र का विषय है कि कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, ये इसको केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्र का जो हमारा केंद्रीय संगठन है उसका विषय रहता है। इसमें बलूनी की बात कर लें चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात कर लें, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है, तो क्या लगता है उनको कोई ना कोई बड़ा मंत्रिमंडल में यहाँ पर जगह मिलनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक योग्यता की बात है तो हमारे 5 के 5 सांसद बहुत ही योग्य हैं। पहले भी हमारे अजय भट्ट जी और अजय टमटा जी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और अभी अजय भट्ट जी वर्तमान में मंत्री हैं। अब ये अगला विषय तय होगा कि केंद्र में किसको दायित्व मिलता है किसको नहीं मिलता है, ये केंद्र का ही विषय है, इसमें अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी, की बात करें जो कांग्रेस के नेता भाजपा में आए थे, कहीं देखा गया कि जो उनके क्षेत्र हैं वहीं से जो भाजपा को कम वोट पड़े हैं, लगते नहीं कि जो दूसरी पार्टी के जो नेता बीजेपी में आए थे कि नहीं वो बीजेपी को नहीं खोखला करने का काम कर रहे हैं आगे? ऐसा कुछ नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता आता है तो उसकी मनोस्थिति हमारे राष्ट्रवाद को लेकर, देश की प्रगति को लेकर, क्योंकि एनडीए का और भाजपा का एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के साथ सब आगे बढ़ रहे हैं और वोट परसेंटेज घटा नहीं है। हम हर ज्यादातर सीटों पर जीते हैं और निश्चित रूप से 5 की 5 सीटें जीते हैं, उसका परिणाम है ये। साफ तौर पर कहना है कि जो मत प्रतिशत कम पड़ा है वो मत की वजह से कम प्रतिशत हुआ है, ना कि कम वोट यहाँ पर पड़े हैं। अब देखना ये हुआ कि उत्तराखंड की 5 सीटों में से जो सांसद चुन के आए हैं उनको कितना कौन सा मंत्रिमंडल यहाँ पर दिया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल के लिए इतने अपने सहयोगी हरीश यादव के साथ में धर्मसा TV 24 के लिए वैभव पटवाल की खास रिपोर्ट।